अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना मैंने शाम में मिठाई बनाई थी, मिठाई बोले तो बर्फ़ी, बनाना बर्फ़ी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। दो तीन इंग्रेडिएंट से जो है ना मैंने मिठाई बनाई थी, बर्फ़ी भी बोलेंगे मिठाई भी बोलेंगे, दोनों भी एक ही होता है। बहुत बहुत मज़े की बनी थी ये ना, ड्राई फ्रूट से भी बनी है और बहुत टेस्टी मिठाई है। तो इंशाल्लाह किसी दिन इसकी वीडियो जो है ना बना के आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैं बहुत थक गई थी। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन बनाऊँगी तो आपसे रेसिपी जो है परफेक्ट शेयर करूँगी। आज बात करने ना बहुत हिचकिचाहट हो रही है सच में, मुझे ना बात करनी ही नहीं आ रही कि क्या बोलूँ करके। तभी तो देखिए मेरी ज़बान जो है ना पलट रही नहीं है, बोलने कुछ जा रही है और निकल कुछ और जा रहा है। तो ना बस अभी मैं खाने की तैयारी कर रही थी रात की, जैसा कि आप देख रहे हो कि रात का खाना बन रहा है। तो यानी कि मैं आपसे अपनी नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चे लोग भी हैं, तो मेरे जो भाभी है उनका बेटा भी है, जैसा कि मैंने बोला है वो कभी कभी आता है खेलने के लिए, तो बस वो भी है। और मेरी बेटी तो बाहर अपना होमवर्क कर रही है और जोहान जैन दोनों खेल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्ची निकाल ली है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बनाने वाली हूँ, आपके तो दिमाग में आया कि कहीं मैं बिरयानी तो नहीं बना रही। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर टमाटर, आलू, प्याज की चटनी बना रही हूँ। बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिया ये चॉपर। चॉपर सच में बहुत मज़े का है ये, इसमें बहुत अच्छी चॉपिंग होती है। मेरे पास ना दो है, एक इलेक्ट्रिक चॉपर है और एक ये वाला है हैंड वाला चॉपर। इससे ना फटाफट हो जाएगा करके मैंने निकाल लिया। वैसे इलेक्ट्रिक वाला जो है वो भी बहुत अच्छा है, बट वो बड़ा है ना, तो मैंने सोचा कि चले छोटे में ही कर लेते, फटाफट हो जाएगा। तो बस मैंने ना बहुत बारीक बारीक चॉपिंग कर लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची के, और आलू भी मैंने कट कर लिए। तो थोड़ी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ ना कि घर में मेरे गेस्ट भी आने वाले। अब गेस्ट में कौन है, तो मेरी फ्रेंड ही है जो कल आई थी तारी खाने के लिए, तो आज वो फिर से आने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आप फ्रेंड्स को इतना सादा खाना खिलाऊंगी, तो जी हाँ, उसके लिए ये भी जो है ना नियामत ही है। बोलती कि हिना तो जो भी बनाती है ना तो अच्छा बनाती है, अच्छा लगता है, माशाल्लाह इतनी तारीफ करती है तो अच्छा भी लगता है। देखिए कोई इंसान अपनी तारीफ कर रहा है ना, तो फिर उसके लिए बना के दो, उसको खिलाओ पेट भर के, अच्छा भी लगता है कि कोई अपनी तारीफ़ कर रहा है करके। और वैसे भी वो कोई पराई नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो यही रहती है आसपास में, कभी आती नहीं, कभी टाइम नहीं मिलता है उसे आने का वैसे। लेकिन देखे ना कल भी हुआ उसका माशाल्लाह से आने, और आज भी हुआ, तो बस वो आ रही है। तो फिर इसके लिए थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, और इसके साथ खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि ना इसके साथ खिचड़ी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत अच्छा है, खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने सारे रूटीन के बेसिक मसाले डाल दिए थे, पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, कड़ी पत्ता, यही सब डाल के जो है ना मिक्स किया, नमक भी डाला, और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने रखा है, बिना पानी डाले उसे पकाना है। अच्छा, मैं ना लहसुन शुरुआत में डालना भूल गई, लेकिन अभी डालूँगी मैं, और अच्छा टेस्ट आएगा। ज़रूरी नहीं कि लहसुन को फ्राई करके फिर डालो, ऐसे भी डाले ना तो टेस्ट आ ही जाएगा चटनी में। तो चले मैंने इसको मिक्स कर दिया, इसको फिर से ढकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर ना ब्राइट्स इतनी आ गई थी कैमरे में कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने ना थोड़े से राइस निकालिए, थोड़े बोले तो दो ग्लास निकाले। अभी मेरी फ्रेंड भी रहेंगी और हम लोग भी रह गए। वैसे आई थिंक मैंने थोड़े से ना ये राइस और दाल थोड़ी सी ज़्यादा ही ली, वो इसलिए ना कि कहीं कम ना पड़ जाए। मैं कभी भी क्या करती हूँ ना कि भाई थोड़ा सा खाना ज़्यादा ही बना लेती हूँ, एक आदमी का तो खाना ज़्यादा ही बनाती हूँ। कभी कोई आ गया घर में इत्तेफाक से, या फिर कभी किसी ने अच्छा ही माशाल्लाह से खा लिया होता है ना, किसी को खाना जब अच्छा लगा खाने में, तो फिर बंदा दो निवाले ज़्यादा ले लेता। तो बस यहाँ पर मैंने खिचड़ी का बघार भी तैयार कर लिया था, और बेसिक सी खिचड़ी जैसे आप सब बनाते वैसी मैंने बनाई थी। सिर्फ इतना है कि मैंने इसमें ना मैगी क्यूब डाली थी, मैगी क्यूब से जैसा कि मैंने बोला है खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, तो बस वही डाला है। और यहाँ पर मस्त चटनी बन गई है, देखिए धनिया बहुत सारा कट करके डालना है इसमें, और ये देखिए ना ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, टमाटर, प्याज, आलू की बहुत बहुत अच्छी बनी है। तब मेरी फ्रेंड जो है ना वीडियो में नहीं आती है, रहता है ना किस किस का वीडियो में नहीं आना, मैं भी अपना फेस नहीं बता रही हूँ, तो फिर बस ऐसे ही। तो बस यहाँ पर ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ना किचन के लिए कुछ शॉपिंग की थी, छोटी छोटी सी ऐसी कुछ लेना था मुझे, तो मैंने लिया है बस एक स्पून लिया, और ये ट्रे लिए मैंने दो। मुझे ना एक्चुअली अदरक लहसुन का पेस्ट बना के उसको ना क्यूब्स में बना के रखना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को, और टमाटर की ग्रेवी बना के उसको भी क्यूब्स में बना के रखना है। तो बस इसीलिए मैंने दो ट्रे मंगाई है, मेरे पास पहले की दो है पुरानी, लेकिन ये दो मैंने फिर से मंगाई है, और ये ज़िप्लॉक बैग बनाई है, आपको तो पता है ये किस चीज़ के लिए काम आती है। तो बस फिर यही कुछ कुछ आइटम्स लेनी थी मुझे,
मुझे ना किचन से रिलेटिव सामान ही लेने बहुत अच्छे लगता है, तो हर महीना दो महीना में जो है ना मैं किचन के लिए कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ना ये फ्रूट की जाली मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें ना बड़ी भी थी लेकिन बड़ी वाली नहीं ली मैंने, क्योंकि ना फिर वो बड़ी वाली लूँगी तो फ्रूट के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसा लगेंगे कि उसमें कोई बर्तन धो के रख रहा है। इसके लिए मैंने छोटी ली कि इसमें फ्रूट रखे तो अच्छा लगे। और उसके अलावा मैंने ये एक चाय का डोना लिया है, मेरे पास है लेकिन वो ब्लैक कोटिंग में है और उसका हैंडल भी नहीं टूट गया, तो बस उसको लगाना है हैंडल, इंशाल्लाह लगाऊंगी बाद में। तो फिर ये एक चाय का ले लिया मैंने, एंड ये देखिए ये एक मैंने लिया है, ये इतना प्यारा लगा ना मुझे कि मैंने देखते के साथ इसे ना उठा लिया। इसकी ना मैं पहले पैकिंग हटा दूँ फिर आपको बताती हूँ। ये ना वैसे ब्लैक पेपर और नमक रख सकते हैं, मुझे ना इसकी ट्रे बहुत खूबसूरत लगी लेकिन देखे ना मेरा हाथ से ना कुछ मिस्टेक हो गई, मेरे हाथ से ना एक जो है वो स्लिप हो गया। मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का कि मेरे हाथ से स्लिप हो गया, एक गिर गया एक टूट गया एक टूट गया रिएक्शन सेम ऐसे ही था मेरा, मैं बहुत वो हो गई थी, एकदम सैड हो गई थी। इसके आगे वीडियो बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि ये टूट चुका था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये एक सिंगल ही रह गया है, अब ये ना इंशाल्लाह कभी जाऊंगी दोबारा शॉप में तो फिर से ले लूँगी। और बस यही सब कुछ लेना है, सर्विंग बॉल और स्नैक्स प्लेट बच्चों की एंड स्टार्टर प्लेट्स जो होती है ना वही सब लिया है, मुझे ये सब आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही सब कुछ लेना था, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े बड़े तो नहीं लेने क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है माशाल्लाह से मेरे पास। और बस जैसे जैसे मार्केट में नया नया कुछ आता है तो फिर लेती जाती हूँ, और जैसा कि मुझे ज़्यादा घर में ऐसे सामान रखना भी नहीं पसंद है, हाँ लेकिन कुछ यूनिक अच्छा रहा तो फिर वो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा क्यों ना हो पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलते हैं, सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग।